एक बड़े से दरख्त पर टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गोरी और खूबसूरत थी। आसपास के सब परिंदे टुनटुनी के हुस्न के दीवाने थे। वो जहाँ भी जाती लोग उसे ही देखते रहते थे। टुनटुनी को लगने लगा था कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और खुशनसीब चिड़िया है। वो अपने आगे किसी को कुछ ना समझती, वही करती जो उसका दिल करता था। उसने बहुत सारे ख्वाब ही देख लिए थे अपने आगे की जिंदगी के लिए। इसी जंगल में एक बदसूरत चिड़िया भी रहती थी। उसका नाम कल्लो था। कल्लो बहुत समझदार थी, मगर लोग उसे उसके रंग की वजह से नापसंद करते रहते थे। वो बेचारी कुछ भी कर लेती थी, कोई उससे खुश नहीं होता था। कल्लो को लगता था कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगी जिंदगी में, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। कल्लो टुनटुनी को देखकर उसे पूछती है, तुम टुनटुनी कहाँ जा रही हो? तुम कौन होती हो? कल्लो मुझसे पूछने वाली कि मैं कहाँ जा रही हूँ? बदसूरत कहीं की। टुनटुनी की बात सुन के कल्लो रोने लगती है। एक दिन जंगल में एक अमीर और हसीन कबूतर आता है। जंगल की सारी चिड़ियाँ उसे चुपके चुपके देखती हैं। कबूतर की नज़र सामने खड़ी दुखों की मारी कल्लो पर पड़ती है और उसे देखते ही कबूतर आशिक हो जाता है कल्लो का और उसके बाप से उसका रिश्ता मांग लेता है। और यूं 4 दिन में कल्लो की ज़िंदगी बदल जाती है। वो कबूतर के साथ बहुत खुश रहने लगती है। और जब ही उसे किसी से पता चलता है कि टुनटुनी की भी शादी पक्की हो गई है जंगल के धोबी के लड़के के साथ, जिसकी एक आंख खराब है, ये सुनकर कल्लो को बहुत दुख होता है और वो सोचती है कि ठीक कहा है किसी ने, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है, कभी किसी चीज़ पर गुरूर नहीं करना चाहिए और किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान की अपनी जगह और अहमियत होती है। मिट्ठू मियाँ, बबलू कबूतर और पिंकी चिड़िया आपस में गहरे दोस्त थे। वो तीनों मिलजुल कर रहते थे। पिंकी चिड़िया सबके लिए खाना पकाती, घर को साफ करती और संभालती। बबलू कबूतर घर के लिए अनाज, राशन, पानी, सब्जी, तरकारी बाज़ार से लाता और मिट्ठू मियाँ जंगल से कुछ लकड़ियाँ बाज़ार में जाकर बेच आते। इस तरह तीनों खूब मेहनत और मशक्क़त करते और खुशी खुशी रहते। इनकी ये गहरी दोस्ती और मेल मिलाप पड़ोस में रहने वाले चालाक कौवे को एक आंख न भाता था। चालाक कौवे ने एक दिन मौका पाकर मिट्ठू मियाँ का हाल चाल दरियाफ्त किया। हम लोग खूब मज़े से हैं और खुश हैं। हाँ भाई, तू ही है जो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, दिन भर जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करता फिरता है और तेरे दोनों साथी घर बैठे आराम से मौज मस्ती करते रहते हैं। नहीं नहीं वो दोनों भी खूब काम करते हैं। क्या खाक काम करते हैं? बबलू कबूतर ज़रा सा पानी भर कर लाता है, दौड़कर बाजार से थोड़ी सी सब्जी लाकर दिन भर घर में पड़ा लेटा रहता है। पिंकी चिड़िया सुबह और शाम रोटी पका लेती है और दिन भर बबलू कबूतर के साथ मिलकर गप्पे हाँकती रहती है। बस बेवकूफ़ तो तू है मिट्ठू मियाँ, जो दिन भर मारा मारा फिरता रहता है, जंगल से लकड़ियों का गट्ठा बनाकर बाजार ले जाता है और उसे बेचकर पैसे लाता है। तुझे तो पूरा दिन काम करना पड़ता है। कौवे ने चालाकी से काम लेते हुए मिट्ठू मियाँ को अपने झांसे में लेने की कोशिश की। नहीं नहीं ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा ठीक है, इतना बोलकर कौवा अपने रास्ते चला गया और मिट्ठू मियाँ लकड़ी लेने जंगल चला गया। उसके दिल में ख्याल आया कि कौवा सही कह रहा है, काम काज तो मैं जी ज़्यादा करता हूँ। मिट्ठू मियाँ शाम को घर लौटने के बाद बबलू कबूतर और पिंकी चिड़िया से कहा, रोज़ रोज़ लकड़ियाँ लाते लाते मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए हम आपस में काम तब्दील कर लेते हैं। मैं घर पर रहकर खाना बनाया करूँगा। बबलू कबूतर और पिंकी चिड़िया ने जब ये अनोखी बात सुनी तो बहुत हैरान रह गए। पहले तो दोनों ने मिट्ठू मियाँ को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ना माना तो फिर बबलू कबूतर ने कहा, चलो ठीक है, मैं ही जंगल से लकड़ियाँ ले आया करूँगा।
दूसरे दिन बबलू कबूतर लकड़ी लाने जंगल चला गया। शाम हो गई लेकिन बबलू कबूतर घर वापस नहीं आया। पिंकी चुड़िया को बहुत फिक्र हुई। उसने कहा कि चलो मिठू मियाँ, बबलू कबूतर को जंगल में तलाश करते हैं, तुम घर पर ही रहो, मैं खुद जाकर देखता हूँ कि बबलू कबूतर को देर कैसे हो गई। मिठू मियाँ थोड़ी देर बाद घर लौटा। वो बहुत उदास था। उसने पिंकी चुड़िया को बताया कि बबलू कबूतर जब लकड़ियाँ लेकर लौट रहा था तो बिल्ली ने उसे मार कर खा लिया। पिंकी चुड़िया की आंखों में आंसू तैरने लगे। मिठू मियाँ भी रोने लगा कि तीन दोस्तों में से एक की फजूल में चालाक कौवे के बहकाने की वजह से जान चली गई। सवेरे उठकर मिठू मियाँ पिंकी चुड़िया को कौवे की सारी बातें बताकर रोते हुए माफी मांगने लगा और कहा कि अब हम दोनों मिलजुल कर ही रहेंगे, और ये वादा भी किया कि वो आइंदा कभी भी चालाक कौवे से नहीं मिलेगा। पिंकी और चीकू दोनों बहन भाई थे। पिंकी अगरचे उम्र में अपने भाई चीकू से छोटी थी लेकिन उससे ज्यादा अकलमंद थी। एक दिन चीकू ने देखा उसकी बहन ने छोटी सी मटकी जिसके एक तरफ लंबाई में छोटा सा सुराख था हाथ में उठाकर रखी है। चीकू ने पूछा, ये क्या है? इसका नाम बचत घर है। पिंकी ने बचत घर को जमीन पर दे मारा और उसके टूटते ही चीकू की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने 10-10, 20-20 रुपए के नोट और बहुत सारे सिक्के बिखरे हुए थे। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अम्मा जो पैसे मुझे देती थी स्कूल के लिए, मैं कुछ पैसे बचा लिया करती थी उसमें से, और देखो आज ये कितने सारे हो गए हैं। चीकू ने खुश होते हुए पूछा। पिंकी, हम इन रुपयों से नए खिलौने खरीदेंगे। नहीं भाई, खिलौने तो हमारे पास पहले से ही बहुत हैं। मैंने ये रुपए थोड़े थोड़े करके इसलिए जमा किए थे कि किसी दिन जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। क्या तुमने किताब में नहीं पढ़ा, आज की बचत कल काम आएगी? अपनी बहन के मुंह से ये सुनकर वो खिलौने नहीं खरीदेंगे। चीकू का दिल बुझ गया। उसने उदास लहजे में पूछा, फिर हम इन रुपयों का क्या करेंगे? उस पर पिंकी ने जवाब दिया, मेरे प्यारे भाई, क्या आपको नहीं पता कि इस वक्त कोरोना की बीमारी फैली हुई है और बहुत से लोग मुश्किल का शिकार हैं। हम उन रुपयों से जरूरतमंदों की मदद करेंगे। आप ये नोट गिने, मैं सिक्के जमा करती हूँ। वो दोनों सिक्के और नोट गिनने लगे। कुल मिलाकर 503 रुपए हुए। 503 रुपए, पिंकी ने सोचते हुए दोहराया। उसी लम्हे चीकू ने कहा, हाँ, इतने कम रुपयों से हम किसी की क्या मदद कर सकते हैं? चलो खिलौने खरीदते हैं। चीकू भाई, मदद करने के लिए रकम का ज्यादा होना जरूरी नहीं, बल्कि जज्बा और नियत होना जरूरी है। नियत क्या होती है और इसका मतलब क्या हुआ? कि भाई, नियत कहते हैं दिल के इरादे को। किसी काम का बदला उसको जाहिरी अमल के लिहाज से नहीं, बल्कि आपके दिल में किसी अमल का जो मकसद होगा उसके मुताबिक आपको सजा या जजा मिलेगी। फिर भी 500 रुपए में किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इन रुपयों से खिलौने खरीद लें। फर्क पड़ता है भाई, अगरचे नजर नहीं आता लेकिन फर्क पड़ता है। फर्ज करें आपको रोजाना पानी से भरी हुई एक बाल्टी मिले और रोजाना उस बाल्टी से सिर्फ 2 गिलास पानी निकालकर आप किसी गमले में पौधे में डाल दें। आप देखेंगे कि भरी हुई बाल्टी में से 2 गिलास पानी निकालने से बाल्टी को पानी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पौधे को जिंदगी मिल गई और इसका सिला वो आपको अपनी खुशबू से देगा। चीकू हैरत और खुशी से मिले जुले जज्बात से, वाह पिंकी, तुमने कितनी उम्दा बात कही। वाकई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ देखने और समझने वाली नजर चाहिए। आप ऐसा करें, ये रुपए लें और जितने हो सके मास्क ले आएं, फिर हम दोनों मिलकर अपने पड़ोस में रहने वाले गरीब लोगों में वो मास्क बांटेंगे ताकि वो अपनी और दूसरों की कीमती जिंदगी को महफूज बना सकें।